लास्ट इंटरेस्ट इन बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी, तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स शो करते हैं बहुत लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो बाहर से हमें करैक्टर्स दिखाई देते हैं प्लांट्स के, उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावर बेयर्स करते हैं, और ओवरी होती है, उनमें फ्रूट्स भी होते हैं। ओके, और यस, और फ्रूट जो है बेयरिंग सीड्स। और हमने बोला कि एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब जो बाहर से करैक्टर्स दिखते हैं प्लांट्स के, उनको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और ऑल दे आर ऑल करैक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। और जो पोर्शन ग्राउंड से ऊपर आता है, उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट, अभी हम फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं, जो है द रूट। द रूट, तो द रूट, इसके आगे हमारे पास 2 मेन टॉपिक्स हैं। द रूट के आगे 2 मेन सब टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट मेन टॉपिक द रूट। ज़्यादातर जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स होते हैं, वो डायरेक्ट इलोंगेशन करते हैं रेडिकल की, जिससे क्या होती है, प्राइमरी रूट डेवलप होती है। ज़्यादातर डाइकोटिलीडन्स प्लांट जो होते हैं, जिनमें 2 कोटिलीडन्स देखने को मिलते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इलोंगेशन करते हैं, रेडिकल को लंबा करते हैं, जो प्राइमरी रूट बनाती है। और जो क्या करती है, ग्रो इनसाइड सॉइल, सॉइल के इनसाइड क्या करती है, ग्रो करती है। और ये जो प्राइमरी रूट होती है, इसके अंदर और लेटरल रूट्स देखने को मिलती हैं, जैसे सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट के आगे जो रूट होगी, लेटरल रूट होगी, उसको सेकेंडरी, देन सेकेंडरी के आगे जो होगी टर्शरी, ऐसे देखने को मिलती है। और प्राइमरी रूट जो है और इसकी ब्रांचेस मिलके टैप रूट सिस्टम बनाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है मस्टर्ड। मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। मोनोकोटिलीडन, जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलीडन देखने को मिलता है, उनके अंदर क्या होती है, प्राइमरी रूट जो होती है, जो एक मेन रूट जो होती है, जो रेडिकल की इलोंगेशन से डिवेल्प होती है, वो शॉर्ट ही रह जाती है। और उसके प्लेस पर क्या हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स इकट्ठी हो जाती है एक ही जगह पर, है ना। द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, जो रूट्स हैं ओरिजिनेट होती है स्टेम की बेस से। और इन रूट सिस्टम को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे ये देखने को मिलता है वीट प्लांट में, ओके, जो मोनोकोटिलीडन्स प्लांट होंगे उनमें देखने को मिलता है फाइब्रस, और जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट होंगे उनमें जो है देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम। और कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास आ जाता है, मॉन्स्टेरा आ जाता है, बनियन ट्री आ जाता है, ये अराइज होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा जो और पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनसे डिवेल्प होता है, जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं कि रूट्स के फंक्शन क्या है। द रूट, हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक, के फंक्शन क्या है। रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है पानी को और मिनरल्स को सॉइल में से, और प्रोवाइड करती है सपोर्ट प्लांट के पार्ट्स को, और स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या करती है, सिंथेसिस करती है। तो फर्स्ट इसका सब टॉपिक है रीजन्स ऑफ रूट। तो रीजन्स ऑफ रूट में हम क्या पढ़ेंगे कि रूट जो है कवर्ड होती है बाय एट अपेक्स, अपेक्स से रूट कवर्ड होती है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है अपेक्स ऑफ रूट को, टेंडर अपेक्स ऑफ, टेंडर से प्रोटेक्ट करता है अपेक्स ऑफ रूट को, एज इट मेक इट्स वे थ्रू सॉइल कुछ मिलीमीटर्स अबव रूट कैप के। कुछ मिलीमीटर अबव क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेल्स ऑफ रीजन जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पतली लेयर होती है, और विद डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं। और ये डिवाइड करते हैं रिपीटली, लगातार डिवाइड करते हैं, एक के बाद एक बार 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 मतलब डिवाइड करते हैं। सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, इस मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, मेरिस्टमैटिक जो रीजन है, इससे प्रॉक्सिमल जो रीजन होता है उसको, वो वहाँ पे क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन होती है, इनलार्जमेंट होती है। और ये जो है, ये जो रैपिड जो रीजन है,
जहाँ पे बहुत लगातार जो है इलोंगेशन होती है, इलार्जमेंट होती है, ये रूट्स की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रीज़न, जिसको हम रीज़न ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। उसके बाद रीज़न ऑफ इलोंगेशन जोन जो है वो धीरे धीरे जो है डिफ्रेंशिएट होता है और मेच्योर होता है, और दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीज़न ऑफ इलोंगेशन है ना, इस रीज़न को हम बोलते हैं रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। और इस रीज़न से क्या होता है, कुछ जो है एपिडर्मल सेल्स जो है बहुत ज़्यादा फाइन, वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होता है, इस रीज़न में क्या होता है, कुछ जो एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनके बहुत फाइन और डेलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, और ये रूट हेयर जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर को, मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल। तो भी इसका जो सेकेंड सब टॉपिक है वो, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।